हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। एंड गाइस, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स और ये मोस्टली टाइम्स आ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। और आई होप मैं पूरी ट्राई करने वाली हूँ कि आपको एक क्वेश्चन का जो डिफरेंस है आपके दिमाग में रट जाए। इससे पहले आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट बता दूं गाइस, जो हम लोग ना हमारे जो एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग ना उसको साथ साथ अपनी जो DPT या स्कैनर होता है जिसमें लास्ट ईयर के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको मैं हर चैप्टर के लास्ट में एक वीडियो ऐसी प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसके आप लोगों को DPT से क्वेश्चंस कवर अप किए होंगे मोस्ट ऑफ़ द ईयर्स। दैट मींस अगर आप उस एक वीडियो को कवर अप करके अच्छे से देखते हो, अच्छे से समझते हो एक दिन, जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पढ़ना पसंद करते हैं, पहले उनको पढ़ना नहीं होता है, तो वीडियो उन बच्चों के लिए, अगर आपने नहीं कुछ भी पूरे साल प्रिपेयर किया तो अगर आप लोग उस एक चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो को देखोगे तो आपका वो चैप्टर 100% क्लियर होने वाला है। क्योंकि जो पेपर में लास्ट ईयर में मोस्टली क्वेश्चंस आए हम लोग उसी को कवर करेंगे। मैं कोई भी क्वेश्चन हम लोग ऐसा नहीं कवर करेंगे उस वीडियो में कि आप लोगों को एग्ज़ाम में ना आया हुआ मिले। पूरी एक DPT उठाएंगे हम हर सब्जेक्ट की। ये भी मैं क्वेश्चन DPT में से देख के आपको करवा रही हूँ कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि हम लोग क्यों इंपॉर्टेंट मटेरियल क्यों कर रहे हैं। बिकॉज गाइज, ये हमारा सेमेस्टर बहुत छोटा है, हमारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, पास में ही है, हमें कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है कि डेटशीट अपलोड हो चुकी है साइट पर, तो इस वजह से हम लोग फटाफट सिलेबस कवरअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरे चैप्टर्स की वीडियोज़ भी अपलोड हो, बट सेमेस्टर छोटा है इस वजह से कोशिश यही है अभी तक तो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर अप हो जाए, अगर टाइम बचा तो बाकी के क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे। बट फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं फिलहाल हम उनको हाथ लगाएंगे। तो आई होप गाइज आप लोग कोऑपरेट करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये चीज़ मैंने ना एक वीडियो 2 दिन पहले अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको मीनिंग समझाया था, मीनिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। उसके अंदर भी ये दोनों पॉइंट्स कवर अप हुए हुए हैं कि मीनिंग ऑफ रिस्क में इन दोनों का क्या रोल है। ये दोनों रिस्क के टाइप्स हैं, एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है टाइप उसका, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये दोनों पॉइंट्स आपको अगली वीडियो में जो मैं इसके टाइप्स करने वाली हूँ उसमें भी मिलने वालेंगे और आई होप आपको वो भी अच्छे से क्लियर हो। अब ये पहले देख लेते हैं चीज़ क्या है, पहले सिस्टमैटिक रिस्क का मीनिंग, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है, द परसेंट ऑफ रिस्क विच वी कैन नॉट मिनिमाइज, वो रिस्क जिसको हम कम नहीं कर सकते, ठीक है जी, वो रिस्क जिसको हम लोग कम नहीं कर सकते। और रिड्यूस थ्रू डिवर्सिफिकेशन इज कंसीडर्ड एज अ सिस्टमैटिक रिस्क। वो रिस्क सिंपल सी अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, इस रिस्क को आप लोग कम नहीं कर सकते, इस रिस्क को आप लोग कम कर सकते हो, ठीक है। ये रिस्क वो है जो मार्केट एरिया में आता है, दैट मीन्स कंपनी के बाहर वाली साइड मार्केट में, पूरी जो रिस्क पूरी मार्केट को इफेक्ट करेगा, ये होता है वो वाला रिस्क। और ये होता है कंपनी का एक्सटर्नल रिस्क, जो कंपनी के इंटरनल, सॉरी, ये वाला होता है कंपनी का एक्सटर्नल रिस्क, जो बाहरी रिस्क है, ठीक है। अगर कोई पॉलिसी में गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दी तो वो ये रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक कौन सा है, कंपनी का इंटरनल रिस्क, दैट इज़ कंपनी के जैसे वर्कर्स वगैरह ने कोई स्ट्राइक वगैरह कर दी समथिंग। ये जो बेसिक चीज़ जो मैंने आपको मीनिंग में बताई थी, आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस बेसिक क्लियर है। ये कंपनी का इंटरनल रिस्क है, ये कंपनी का एक्सटर्नल रिस्क है, जो गवर्नमेंट जैसे पॉलिसीज में चेंजेस करती रहती है तो हम लोगों को रिस्क बियर करना पड़ता है, वो है। अगर सिंपल वे में करूँ, इस रिस्क को आप लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में भी लिख रखा है वी कैन नॉट मिनिमाइज, हम लोग इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, बट जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसको आप लोग मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, विच कैन नॉट मिनिमाइज, जिसको आप लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और रिड्यूस थ्रू डिवर्सिफिकेशन इज कंसिडर्ड एज अ सिस्टमैटिक रिस्क, दिस मीन्स दैट दिस टाइप ऑफ रिस्क इज इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट। इसका मेन मीनिंग क्या है कि ये जो रिस्क है ये एक तरह से इम्पॉसिबल है कि आप लोग इसको एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। दिस मीन दैट टाइप ऑफ रिस्क इज इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मार्केट, ये डायरेक्टली रिलेटेड है मार्केट से। अगर एक जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी में चेंज किया, एक शॉप को नहीं इफेक्ट करेगा, वो पूरी मार्केट को इफेक्ट करेगा, तो ये रिलेटेड किससे है, मार्केट,
दैट्स वाई सिस्टमैटिक रिस्क ऑल्सो नोन एज अ मार्केट रिस्क. इसी वजह से इसको अकेला सिस्टमैटिक रिस्क ही नहीं, मार्केट रिस्क भी बोलते हैं. आई होप आपको सिस्टमैटिक का मीनिंग अच्छे से क्लियर है, मैंने पूरी कोशिश की है. ठीक है, देन अनसिस्टमैटिक में देखते हैं. अनसिस्टमैटिक रिस्क इज दैट पार्ट ऑफ रिस्क, ये रिस्क का वो पार्ट है विच अराइजेज फ्रॉम अनसर्टेनिटीज. जो कि कैसे अराइज होता है, पहले तो ये अराइज कैसे होता है, फ्रॉम अनसर्टेनिटीज. जैसे हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि वर्कर्स हमारे अगेंस्ट स्ट्राइक करने वाले हैं, बॉस को नहीं आइडिया होता है, बट वो कर देते हैं. विच आर यूनिक टू इंडिविजुअल सिक्योरिटीज एंड कैन बी डिवर्सिफिकेबल, जिसको हम लोग डिवर्सिफाई कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं. अनसिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो नोन एज डिवर्सिफिएबल रिस्क. डिवर्सिफिएबल मतलब होता है कि आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, डिवर्सिफाई कर सकते हो. ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हो. ठीक है, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज एंड कैन बी डिवर्सिफिएबल, और इसका दूसरा नाम भी डिवर्सिफिएबल रिस्क ही है. ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, रिलेटेड. सिस्टमैटिक रिस्क किससे रिलेटेड है? सिस्टमैटिक रिस्क डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सिस्टम. जो इकोनॉमिक का सिस्टम है कंट्री का, जो गवर्नमेंट उसमें चेंजेस कर रही है, डायरेक्टली उससे रिलेटेड है. बट जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है, डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सिस्टम, ये डायरेक्टली इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड नहीं है. रादर इट इज़ मोर अबाउट बिजनेस और कंपनी रिलेटेड. ये किससे रिलेटेड होता है? या तो उस बिजनेस से पर्टिकुलर, या उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड होता है. इसका कोई भी इकोनॉमिक के साथ लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये इंटरनल होता है कंपनी के, और ये एक्सटर्नल होता है बाहरी, ये अंदरूनी. ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस रिस्क. वी कैन नॉट रिड्यूस सिस्टमैटिक रिस्क. देखिए यहाँ पर लिख रखा है, वी कैन नॉट रिड्यूस दिस टाइप ऑफ रिस्क इंडिविजुअली. ये क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क. इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज इस ये कैसे होता है, गवर्नमेंट की वजह से. बट दिस टाइप ऑफ रिस्क कैन बी रिड्यूस. ये अब हमारे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, तो हम उनसे बात कर सकते हैं, मसले को सुलझा सकते हैं, तो इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन्फ्लुएंस्ड. इसका असर क्या पड़ता है, इन दोनों रिस्क का हमारे ऊपर असर क्या पड़ता है? सिस्टमैटिक रिस्क आर एक्सटर्नल रिस्क. पहली बात तो ये एक्सटर्नल रिस्क है, दैट मीन्स बाहरी रिस्क है, विच कैन अनकंट्रोलेबल एंड ब्रॉडली अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट. जो कि अनकंट्रोलेबल है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स को ब्रॉडली, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा लेवल पे इफेक्ट करता है हमारी इन्वेस्टमेंट्स को. ऑब्वियस है, हमारी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क आ रहा है. कुछ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर रिस्क आ गया, पूरा पैसा डूब गया, तो हम लोगों के लिए गलत बात है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ब्रॉडली अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट्स. बट जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है, अनसिस्टमैटिक रिस्क आर इंटरनल रिस्क. ठीक है, ये वाला था एक्सटर्नल बाहरी, ये है इंटरनल रिस्क. विच आर अराइजेज ड्यू टू इंटरनल इन्वायरमेंट. जो कैसे अराइजेज होता है, कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से, कि इंटरनल माहौल कैसा है कंपनी के, ऑफ द फर्म और थूज अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. या तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करेगा, एक इंडस्ट्री को, या जैसे एक उसके अंदर कंपनी आ रही है, इंडस्ट्री के अंदर, आई होप आपको पता होगा छोटी छोटी कितनी फर्म्स होती हैं, तो या तो वो एक इंडस्ट्री पूरी को, एक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी फर्म्स आती हैं उनको इफेक्ट करेगा, या सिर्फ एक फर्म को इफेक्ट करेगा. ठीक है जी, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसका टाइप्स क्या हैं सिस्टमैटिक रिस्क के. सिस्टमैटिक रिस्क कवर, क्या क्या सिस्टमैटिक रिस्क में कवर होता है? इंटरेस्ट रिस्क, जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टर्स ने, वो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट रिस्क उनका कवर होता है. और सेकंड मार्केट रिस्क, मार्केट में जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है, मंदी का, तो ये सब इसी के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है, मार्केट रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क में, अनसिस्टमैटिक रिस्क कंटेन बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क के टाइप क्या हुए? कि ये बिजनेस या फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड है, तो यही इसके टाइप्स हैं. अब आपको इसकी एक एग्जांपल दिख रही है आगे, उसके अकॉर्डिंग आपको इजीली क्लियर होना चाहिए. एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क आर इन्फ्लेशन. जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना, एग्जांपल क्या लिख रखी है? इन्फ्लेशन. जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन हो जाना मार्केट में, डिफ्लेशन हो जाना, रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ जाना, हायर रेट ऑफ पॉवर्टी, करप्शन, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट हो जाना, चेंजेस इन प्राइस रेट्स हो जाना, इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो. या आप एग्जांपल ले सकते हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आ जाना, ये भी आप लिख सकते हो. ठीक है, उसके अलावा अनसिस्टमैटिक में क्या है? अनसिस्टमैटिक रिस्क आर हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयज टर्नओवर. अनसिस्टमैटिक कौन कौन से हो सकते हैं? या तो हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय की टर्नओवर की रेट बढ़ गई, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, हायर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज की कॉस्ट बढ़ गई, मैनिपुलेटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है जी, आई होप आप लोगों को
काफ़ी हद तक क्लैरिटी है कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट क्या कहता है। मेजरमेंट, मेजर कैसे कर सकते हैं हम सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क को, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं। आपको एक मैथमेटिक का साइन पता होगा अल्फा बीटा जो हम लोग यूज़ करते हैं, आई होप आपको बीटा पता होगा जो हम लोग ये बीटा यूज़ करते हैं, एक हम लोग अल्फा यूज़ करते हैं और एक बीटा, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क का हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, बीटा, बीटा इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क और इन अदर वर्ड्स इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। विद द हेल्प ऑफ बीटा वी कैन मेजर द सिस्टमैटिक रिस्क, और इसके अदर वर्ड्स में बोले तो एक तरह से जो हमारा बीटा है वो एक तरह से इंडिकेटर है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क का, ठीक है जी। नेक्स्ट अदर साइड देखते हैं, देखिए ऑन दी अदर हैंड अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी मेजर्ड, अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम लोग मेजर नहीं कर सकते विद दी हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर टूल, जैसे कि हमारा एक अल्फा या एक बीटा एक टूल्स है, तो इन विद दी हेल्प ऑफ पर्टिकुलर टूल्स की हेल्प से हम इसको मेजर नहीं कर सकते। इट इज़ मेजर बाय मीन ऑफ गेटिंग दी सिस्टमैटिक रिस्क, ये इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, देखिए जो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क निकल आया, सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकलेगा, विद दी हेल्प ऑफ बीटा। तो सिस्टमैटिक रिस्क, जो आपका सिस्टमैटिक रिस्क निकलेगा, ठीक है, उसको आप माइनस कर दोगे टोटल रिस्क में से, जो आपका टोटल रिस्क है अगर आप उसको उसमें से माइनस कर दोगे तो आप लोगों का अनसिस्टमैटिक नहीं निकल आएगा, अनसिस्टमैटिक वाला निकल नहीं आएगा, सिस्टमैटिक माइनस टोटल, तो अनसिस्टमैटिक जो बच गया वो आपका आ गया अनसिस्टमैटिक, तो वही लिख रखा है। इट इज़ मेजर बाय मीन्स ऑफ गेटिंग द सिस्टमैटिक रिस्क सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक को सब्सट्रैक्ट कर दो टोटल में से तो ये निकल आएगा। खत्म हो गया जी ये क्वेश्चन। आई होप गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया इसको समझाने का। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कि थोड़ी पढ़ाने में गलत हो रही है तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरी उस बात को याद रखिएगा जो मैंने आपको बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड बताई है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मैं मटेरियल प्रोवाइड करूँगी एक दो दिन में। तो कोशिश कीजिएगा उस एक एक वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वो एक एक वीडियो आपको पूरा चैप्टर का निचोड़ निकाल के बताने वाली है, और उसमें आपके मोस्टली पेपर में आए हुए क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो ऑब्वियस है यार एग्जाम में उसमें से कुछ तो आने वाला है, मेरे हिसाब से तो हर बार उसी में से एग्जाम आता है, मैं मोस्टली उसी में से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती थी और उसमें से एग्जाम 100% आता था। तो यही सजेशन है कि आप लोग उस वीडियोज़ को स्किप मत कीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।